मेरे पास एक नया फोन है, मैंने इसे खुद बनाया है, देखो लिली। ओह मैं ऐसा क्यों करूँगी, चलो मेरे फोन पर कुछ वीडियो देखते हैं। वाह यह क्या है, जरा उसका साइज देखो, एक विशाल गोल्डन आईफोन। देखो यह मोनिका का है। ये सही है, मैं स्कूल की सबसे लोकप्रिय और सबसे अमीर लड़की हूँ। वाह इस लॉकर में क्या है, अरे लड़कियाँ कहाँ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वाह एक चुनौती है, कितना अच्छा। अच्छा मेरे पास एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी है, लेकिन सूजी की, और मेरे पास एक विशाल गोल्डन स्ट्रॉबेरी है। ओह हाँ बिल्कुल वैसा जैसा मुझे चाहिए। ये सही नहीं है, बातें कम और काम ज्यादा करो मोनिका, या शायद किसी तरह की गलतफहमी है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस स्ट्रॉबेरी को पूरे तौर तरीके और शिष्टाचार से करूंगी। मैम आपको कुछ चाहिए, यह रहा इस स्ट्रॉबेरी के लिए चॉकलेट फाउंटेन, मैं इसे खाऊंगी। इसका स्वाद मुझे पसंद आया, बुरा नहीं है। क्या 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 है, कीरे कितना भयानक। क्या मैडम किसी बात से असंतुष्ट है, मुझे लगता है मेरे मुंह में कीड़े हैं। ओह मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। अच्छा ठीक है धन्यवाद, अब मेरी मुस्कान चमकदार और आकर्षक है किसी राजकुमारी की तरह। ठीक है लूसी अब तुम्हारी बारी है। अच्छा मेरे पास चांदी के बेरीज हैं, ये बहुत स्वादिष्ट होने चाहिए। हाँ और यह क्या है, देखो अब मेरी उंगलियां चांदी की धूल में ढकी हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि असली चांदी है, लेकिन ये ऐसा दिखता है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, बेरी को लिप ग्लॉस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी समय ब्लश के रूप में भी, और आई शेडो। जरा देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तुम अजीब हो लूसी। क्या ठीक है, आखिरकार मेरे विशाल सुनहरे स्ट्रॉबेरी मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओह पर मैं उसे उठाऊँ कैसे, ये स्ट्रॉबेरी बहुत भारी है, मैं इसे गिराना नहीं चाहती। ओह नहीं, हाँ सूजी ये अच्छा नहीं हुआ, मेरी स्ट्रॉबेरी। मैंने यह भी सोच लिया था कि इसे कैसे खाना है, कितना बुरा। और दूसरी ओर मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ, यह कट क्यों नहीं रहा है, उफ ये कितना मजबूत है, एकदम सही। आह अपना दांत मत तोड़ लेना। ओ धन्यवाद लूसी। हे चलो क्यों ना इसे बदल ले, तुम्हारा चांदी मेरे सोने के लिए। वाह अच्छा सौदा है, कितना बड़ा टुकड़ा है, मुझे पता है इसका क्या करना है, मैं अभी वापस आती हूँ, अब मैं खुश हूँ। ओह हाँ गुड लक लूसी। हाँ हाँ तुम आराम से आना, तब तक मैं अपनी स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरीज को खाने में व्यस्त रहूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बर्फ और ट्रीट्स कहाँ है, मेरे पास ट्रीट्स है बहुत सारा आइसक्रीम। क्या ये कोई मजाक है, क्या तुम मेरे बारे में बिल्कुल भूल गए हो, तुम किस पर हंस रही हो। नहीं बस ऐसे ही, और मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए, क्या वास्तव में आइस खाना होगा। हे मुझे लगता है अब समय इसे शेक बनाने का, पहले मैं इस आइस को क्रश करूंगी। फिर मैं इसमें थोड़ा सिरप मिलाऊंगी, और फिर मुझे एक स्वाद से भरा हुआ आइस मिलेगा। अब मैं इसमें थोड़ा मीठा स्प्रिंकल्स लगाऊंगी। ये कितना सुंदर दिख रहा है, कमाल का स्वाद, बहुत स्वादिष्ट, ये शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट ट्रीट है। लूसी अब तुम्हारी बारी है। ठीक है मैं तैयार हूँ, ऐसे स्वादिष्ट आइसक्रीम खाने के लिए कौन तैयार नहीं होगा। मैं इससे शुरू करूंगी, या फिर शायद इस बॉल से, ये सारे बहुत स्वादिष्ट हैं। इसका स्वाद आम की तरह है, और यह हरा वाला सेब की तरह अद्भुत। क्या वो ठंड से जम नहीं जाएगी। मेरा हो गया। ओ, और यह क्या है,
आइसक्रीम की दुकान? क्या ये आइसक्रीम मेरे लिए है? कितना अच्छा, मुझे पता था मैं बिना आइसक्रीम के नहीं रहूंगी। जरा इन सारे रंग को देखो, इतने सारे रंगीन स्कूप्स। क्या मोनिका की आइसक्रीम मेरे से बड़ी है? खैर फिर शायद मेरे साथ शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बोन एपेटिट मोनिका, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। ओ नहीं लूसी, तुम मुझे रोक नहीं सकती और पकड़ने की कोशिश भी मत करना। एक मिनट रुको, ये मेरी दुकान है। रुको लूसी प्लीज। बिल्कुल नहीं, ये मेरी आइसक्रीम है और मैं इसे खुद खाऊंगी। मेरा पीछा करना बंद करो। क्या केक है, कितना बड़ा और सुंदर। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती सूजी, लेकिन मैं निश्चित रूप से बहुत लकी हूँ। मेरा केक कितना विशाल है। इन लड़कियों के पास कितना विशाल केक है। लगता है मुझे अपने आप को समझाना पड़ेगा कि आज मेरा दिन नहीं है। दुखी मत हो मोनिका, बेहतर होगा तुम अपना कपकेक खाओ। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये बहुत कड़ा है, मैं इसे काट भी नहीं पा रही हूँ। असिस्टेंट इधर आओ प्लीज, आपको जो चाहिए यहाँ है। ओह धन्यवाद, ये लो छोटे डॉगी, इसे खा लो ताकि मुझे ये खाना न पड़े। ओ ये कितना प्यारा है, इसने मुझे किस किया। अरे मोनिका ये उचित नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता है, सब ठीक है, अब यहाँ कोई कपकेक नहीं है। तुम्हें अपनी चीटिंग का बदला जरूर मिलेगा मोनिका, और तब तक मैं अपने शानदार केक का ख्याल रखूंगी। यम्मी, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं अपने लिए टुकड़ा काटूंगी, बहुत स्वादिष्ट। उंगली चाट कर खाने लायक अद्भुत। मेरा केक निश्चित रूप से सूजी के केक से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। अच्छा ऐसा है, फिर तुम ये लो। सूजी तुमने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है लूसी, अपना केक खाओ बिल्कुल खुशी से, लेकिन पहले मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से मुझ में पूरी तरह फिट नहीं होगा। मैं नीचे से एक टुकड़ा काटूंगी, मैं इसे खाने का इंतजार नहीं कर सकती। वाह इसके अंदर रेनबो है, कितना अच्छा और स्वाद बढ़िया। ओ नहीं तुम्हारा केक लूसी, वो सीधे मुझ पर गिर गया। फैंटा? हाँ और इतने सारे कैन। ओ मैं फिर से बदकिस्मत निकली, एक साधारण नारंगी और मैं इसके साथ क्या करूं? क्या वाह मेरे पास एक पूरा फाउंटेन है, कितना अच्छा। ठीक है लड़कियों, मैं इस बार पहले शुरू करूंगी, और बेशक मुझे इसे पीने के लिए एक सुंदर ग्लास तैयार करने की जरूरत है। मुझे लगता है ये सही साइज है। मैं कैन खोलती हूँ और इसे भरती हूँ। एक और कैन, यह अच्छा हो रहा है। इतना सारा फैंटा। अच्छा तो अब अगला कदम, इसे डेकोरेट करना है, और इसके लिए मेरे पास सही स्ट्रॉ है। यह अद्भुत है। ओ वाह। उप्स, एक सेकंड रुको। सूजी अपना मुंह बंद करो, थोड़ा तो शिष्टाचार का ध्यान रखो। ओ मुझे माफ करना मोनिका, और अपना नारंगी ले लो प्लीज, अपने खाने का मजा लो। ठीक है मैं सोच रही थी तुम इसे भूल जाओगी। खैर मुझे मदद चाहिए, मैं यही हूँ, और यह रहा कंटेनर आपके जूस के लिए। अब मेरे पास सबसे ज्यादा ताजा पौष्टिक और स्वादिष्ट जूस होगा, बस इसे प्रेस करना मुश्किल है। लगता है मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, इतना काफी है। टेस्टी। ये बर्तन मेरे सिर पर है, मेरी मदद करो। क्या आपने मुझे याद किया मिस,
उफ, मुझे एक समस्या दिखाई दे रही है, कुछ करने की जरूरत है, मुझे जोर से खींचना होगा। वाह, ये काम किया, कितना स्वादिष्ट। सोडा का एक पूरा फाउंटेन और ये केवल मेरा है, स्वादिष्ट। मैं इसे पूरे दिन पी सकती हूँ और सोडा खत्म नहीं होगा। वाह, सोडा की एक पूरी बाल्टी, पूरी जिंदगी मैंने इसी के सपने देखे हैं। ओह वाह, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे पूरा पूल भर सकती हूँ, फिर मेरे पास सोडा पूल होगा जिसमें मैं तैर सकती हूँ। बढ़िया, एकदम सही। हमारे हीरोज जो भी लेकर आएंगे, यह पक्का है कि वो मजेदार होगा, इसलिए किसी भी वीडियो को मिस ना करें। जल्दी फिर मिलते हैं मल्टीडू पर।